व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्लैगशिप के भी फ्लैगशिप किलर फोन के बारे में। ये क्या होता है फ्लैगशिप के भी फ्लैगशिप किलर फोन? एनीवेज गाइस, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के एक और नए डिवाइस के बारे में, जो कि है फोल्ड 3। अब इसके बारे में दोस्तों अभी सुनने में आने लगा है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर गाइज, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 1 जब लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद में जब सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 लॉन्च हुआ, तो कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें जो ना उसमें चेंजेस करे, मतलब काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स करे, जिसमें जो सबसे क्रूशल था वो ड्यूरेबिलिटी थी। क्योंकि जब फोल्ड 1 लॉन्च हुआ था तो वो ड्यूरेबिलिटी में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब कंपनी ने फोल्ड 2 लॉन्च किया तो उसमें ड्यूरेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी दे दी, स्क्रीन साइज अच्छा दे दिया और भी जो ना काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी दे दी। लेकिन अब बचा क्या? अब यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 में आपको क्या ऐसा कुछ नया मिलने वाला है, उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा इसके डिस्प्ले के बारे में और इसके एक पेटेंट आया है उसके बारे में। तो यहाँ पर गाइस, सैमसंग की तरफ से एक पेटेंट निकल के आया था और इसको हम बोल सकते हैं कि ये सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 का पेटेंट हो सकता है। इसमें गाइज हमें एक मेजर चेंज ये देखने के लिए मिलता है कि इसका जो हिंज मैकेनिज्म है उसमें जो ना एक लाइट की स्ट्रिप मिलेगी, और ये गाइज इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि फोल्ड 3 में आपको एस पेन का सपोर्ट भी मिलेगा। जी हाँ गाइज, एस पेन का सपोर्ट इसमें आपको मिल सकता है। और यहाँ पर अब ये बात निकल के सामने नहीं आई है कि एस पेन इसके साथ में मिलेगा या फिर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 में अब आपको एस पेन भी मिलेगा। और वो जो बड़ी स्क्रीन रहेगी, 7 इंच से भी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन रहेगी, और उसमें जब आपको एस पेन मिल जाता है बहुत सी चीज़ें करने के लिए, तो भाई उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। बात करूँगा दोस्तों यहाँ पर अब डिस्प्ले फीचर्स को लेके, डिस्प्ले की लीक्स को लेके। सबसे मेजर चेंज गाइस जो निकल के आया है वो इसके डिस्प्ले में निकल के आया है। जी दोस्तों, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो खास तौर से इसके डिस्प्ले में हमें देखने के लिए मिलती है। अब फीचर के हिसाब से बात करूँगा गाइस, तो इसमें आपको फोल्डेबल एमोलेड डायनेमिक डिस्प्ले तो मिलेगा ही, जिसमें आपको 2K का रेजोल्यूशन मिलेगा। इसमें आपको HDR10+ मिलेगा, साथ ही में इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल सकता है। जी हाँ, 144Hz में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फोल्ड 2 में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिला था। अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये सक्सेसर है फोल्ड 2 का, तो इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकता है। अब यही सब चीज़ें दोस्तों वो एडवांस होकर आनी है, मतलब सक्सेसर में, नहीं तो फिर सक्सेसर किस बात का रह जाएगा। अब ये सब जो फीचर्स है ये तो मिलेंगे ही आपको डिस्प्ले में, लेकिन यहाँ पर जो मेजर चेंज आता है वो इसकी स्क्रीन की टेक्नोलॉजी में आता है। अब इसमें जो है ना दोस्तों आपको EMR टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, इसमें आपको AES स्क्रीन टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब ये क्या है AMR? इन द सेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको नहीं मिलेगी, आपको इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन की टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ जो AES टेक्नोलॉजी है स्क्रीन की, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें स्टाइलस भी काम करेगा। जी हाँ, इसलिए गाइस आपने देखा होगा जो नोट सीरीज के स्टाइलस है, अगर आप उसको दूसरे नॉर्मल फोल्ड्स में चलाने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्क्रीन की टेक्नोलॉजी है वो स्टाइलस के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। तो इसी हिसाब से फोल्ड 3 की जो स्क्रीन टेक्नोलॉजी है ये स्टाइलस के हिसाब से डिजाइन की जाएगी। अब गाइस यहां पर से ये चीज तो सुनने में बड़ा मजा आ रहा है कि भाई फोल्ड 3 में आपको स्टाइलस मिल जाएगा, लेकिन एक न्यूज और निकल के आ रही है, एक रूमर भी आप बोल सकते हो कि सैमसंग के ऑफिशियल की तरफ से ऐसी न्यूज है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 में तो हम स्टाइलस दे देंगे, लेकिन उसके बाद में फिर नोट सीरीज में से स्टाइलस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने के बाद में जिस तरीके से आपको शौक लगा, इस तरीके से ऑब्वियसली मुझे भी शौक लगा था, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज जो है उनका जो USP है, उनकी जो स्पेशलिटी है वो स्टाइलस ही है। अगर उसी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा तो उसके बाद में फिर मेरे हिसाब से कुछ मतलब नहीं हो जाएगा नोट सीरीज़ को लेने का, आगे जो भी एडवांस नोट सीरीज़ निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने फिर वो स्टाइलस को उठा के सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 को दे दिया है, और हो सकता है कि इसके बाद में जब जो भी सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड सीरीज़ में फ़ोन लॉन्च होगा तो उसमें जो ना कंपनी आपको स्टाइलस देगी। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी लीक निकल गई है, रूमर निकल के आया, ऐसी न्यूज़ निकल गई
है सैमसंग के ऑफिशियल की तरफ से। ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो इंशाल्लाह हम अपने चैनल के ऊपर इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के जरूर से डाल देंगे। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर से रखना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रखना। बात करूंगा दोस्तों मैं अब इस फोन के कैमरा लीक्स को लेके। गाइस यहां पर कैमरा लीक्स के हिसाब से एक और रूमर ये निकल के आया कि इस फोन में आपको इन स्क्रीन कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, वैसे भी दूसरी चाइनीज कंपनीज ने इन स्क्रीन कैमरा अपने फोन में देना शुरू कर दिया है, तो यहां पर सैमसंग भी जो है ना दोस्तों वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और सैमसंग के हिसाब से फोल्ड 3 में आपको इन स्क्रीन कैमरा देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन सैमसंग के ऑफिशियल्स की एक और न्यूज है कि इन स्क्रीन कैमरा देने की वजह से अगर फोटो क्वालिटी में कुछ भी फर्क आता है, अगर फोटो क्वालिटी गिरती है, फोटोग्राफी अच्छी नहीं होती है, तो वो इन स्क्रीन कैमरा नहीं देंगे। अब दोस्तों बात करूंगा मैं फोन के मॉडल्स के ऊपर। यहां पर देखिए इस चीज के ऊपर भी क्वेश्चन है कि भाई अब फोल्ड सीरीज में कितने मॉडल्स निकलेंगे। फोल्ड 1 निकला, फोल्ड 2 निकला, लेकिन फोल्ड 3 में गाइज ऐसे रूमर्स निकल के आ रही है कि आपको दो मॉडल्स देखने के मिल जाएंगे। दोनों ही 5G होंगे, लेकिन एक होगा फोल्ड 3 और दूसरा होगा फोल्ड 3 लाइट वर्जन। अभी तक गाइज लाइट वर्जन से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आई है कि भाई क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको मिलेंगे लाइट में और कैसे स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे जिसको आप लाइट बोल सको। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे चैनल के ऊपर जरूर से इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए गाइस यही न्यूज़ है कि इसमें आपको दो मॉडल्स जो है ना वो देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो है ना दोस्तों निकल के आई थी, इसमें जो मेजर इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी वो डिस्प्ले से रिलेटेड थी, और आई होप कि आपको जो है ना वो अच्छी लगी होगी यहाँ पर डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है। बात करूंगा दोस्तों मैं अब प्राइस और लॉन्च के बारे में। यहाँ पर गाइस अगर आप सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 को एक बार देख लेंगे तो उसका लॉन्च हुआ था सितंबर 2020 में, और उसके बाद में फोल्ड 3 से रिलेटेड जो है ना वो अभी इंफॉर्मेशन निकल के आने लगी है, कुछ लीक्स जो है ना वो बाहर आने लगी है। इसके हिसाब से गाइस जो फोल्ड 3 का लॉन्च है वो अभी करीब ही है, मतलब अगर लीक्स और रूमर्स के अगर आप देखोगे, अगर आप उनकी मानोगे, तो भाई जो इसका लॉन्च है वो आपको जुलाई या तो फिर अगस्त तक देखने के मिल सकता है, मतलब जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने में जो ना वो देखने के लिए मिल सकता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो 2021 के हाफ तक इस फोन का लॉन्च आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर बात करूंगा अगर प्राइस के बारे में तो भूल जाइए, मतलब प्राइस तो ये समझ लीजिए कि कम से कम 1 लाख से ऊपर का तो होगा ही होगा। मतलब फोल्ड 2 को अगर आप देखोगे तो $1,999 में लॉन्च हुआ था, उसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 1,45,000 का आता है। तो ये फोन भी आप पकड़ के चलो के उतना ही होगा। तो गाइस इस डिवाइस से रिलेटेड इतनी ही लीक्स अभी तक तो फिलहाल निकल के आई है, इसके लॉन्च होने में भी टाइम है, तो जैसे जैसे इसकी इंफॉर्मेशन निकल के आती रहेगी वैसे वैसे इंशाल्लाह हमारे चैनल के ऊपर इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप सब्सक्राइब जरूर से करके रखना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना। आपको कैसा लगा वीडियो हमारा हमें जरूर से बताना प्लीज, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे वीडियोज को शेयर करते हो। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।